सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमी कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लिटरेचर चैप्टर 3 नीम की पत्तियां। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें नीम के पेड़ के उपयोगिता के बारे में बताना चाहता है। इसके साथ ही साथ अन्य पेड़ पौधों के बारे में भी बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। लेट्स स्टार्ट। रविवार का दिन था। रोहित एक छोटा लड़का है, वह टेलीविज़न देख रहा था। उसकी मम्मी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसकी दादी ने उसको अचानक से आवाज़ लगाई, रोहित ज़रा नीम की पत्तियाँ तोड़ कर ले आओ। तो रोहित ने कहा, अभी लाया दादी ने। यह कहकर रोहित नीम की पत्तियाँ लेने चला गया। जब रोहित पत्तियाँ लेकर लौटा तो उसने देखा कि दादी माँ ने कुछ ऊनी कपड़े निकाले हुए हैं और उनको देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह सोचने लगा कि दादी ने ये ऊनी कपड़े क्यों निकाले हैं और मुझसे नीम की पत्तियाँ क्यों मंगाई हैं। तो उसने दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप इन नीम की पत्तियों का क्या करेंगी। दादी माँ ने कहा, बेटा मैं इन पत्तियों को ऊनी कपड़ों में रखूँगी। तो रोहित पूछने लगा, पर ऐसा क्यों दादी माँ, नीम की पत्तियों को कपड़ों में रखने से क्या होता है। तो दादी माँ ने कहा, बेटा नीम की पत्तियाँ बहुत गुणकारी होती हैं, इन्हें ऊनी कपड़ों में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता। रोहित बोला, सच में दादी माँ। दादी माँ ने रोहित को बताया कि नीम की पत्तियाँ कई रोगों को दूर करने के काम आती हैं, इन्हें खाने से हर प्रकार की एलर्जी दूर होती है। तो रोहित कहने लगा, पर दादी माँ नीम की पत्तियाँ तो बहुत कड़वी होती हैं। दादी माँ ने बताया, ये बहुत कड़वी होती है लेकिन बहुत उपयोगी होती है, इनको खाने से खून साफ होता है। जिन लोगों को मधुमेह यानी शुगर का रोग होता है उनके लिए तो नीम की पत्तियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इन्हें खाने से उनके शरीर में इंसुलिन पैदा होने की क्रिया तेज़ हो जाती है। इसके प्रयोग से शरीर के सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। रोहित बोला, हाँ दादी माँ, जब मेरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे तो मम्मी ने इन्हीं पत्तियों को पानी में डालकर मुझे नहलाया था। दादी माँ इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। दादी माँ ने बोला, बेटा नीम तो हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य वरदान है। सर्दी जुकाम बुखार होने पर इसका काढ़ा पीने से आराम मिलता है। इसकी टहनियों से दातुन बनाकर दांत साफ करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। फोड़े फुंसियों पर नीम की छाल को पीसकर लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। दादी माँ कहती हैं कि बेटा यदि हम प्रतिदिन नीम की 10 पत्तियाँ खा लें तो कभी रक्त दोष नहीं होता। रक्त दोष मीन खून में खराबी नहीं होती। रोहित कहता है, अच्छा दादी माँ। तो दादी माँ और बताती हैं कि नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। नीम के पेड़ की जड़ से लेकर छाल, तना, निबौली और पत्तियाँ सब कुछ उपयोगी होती हैं। रोहित बहुत खुश होता है और कहता है, दादी माँ आज तो आपने मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, एक बात और बताइए दादी माँ। दादी माँ ने कहा, अच्छा बेटा पूछो। रोहित कहता है, नीम के पेड़ के अतिरिक्त क्या और पेड़ पौधे भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें फल, फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, सब्जियाँ आदि अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं। रोहित ने कहा, दादी माँ आज ही हमारी अध्यापिका हमें बता रही थी कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों को काटने से पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है। दादी माँ ने कहा, तुम्हारी अध्यापिका बिल्कुल ठीक कह रही थी। आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए मीन अपने फ़ायदे के लिए हरे भरे पेड़ों को काट दिया है, जिसके फलस्वरूप धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। कहीं पर वर्षा कम होती है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। रोहित कहता है, पर दादी बाढ़ तो वर्षा अधिक होने से आती है, उसका पेड़ पौधों से क्या संबंध है। दादी माँ ने बताया, नहीं बेटा, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोक कर रखती हैं, उनके ना होने से सारा पानी एक साथ नदी में आ जाएगा तो नदी भी उसे अपने में समा नहीं पाएगी और बाढ़ आ जाएगी। रोहित कहता है, ओ फिर तो दादी माँ यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पशु पक्षियों के साथ साथ हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, इस समस्या से निकलने का कोई उपाय तो होगा। दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा, यदि हम खूब पेड़ पौधे लगाएं तो हम बच सकते हैं। रोहित ने कहा, जी दादी माँ, आज आपने मुझे बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी, मैं खूब पेड़ पौधे लगाऊंगा और अपने मित्रों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए कहूंगा। तो बच्चों, इस तरह से रोहित ने अपनी दादी माँ से सीखा कि नीम के पेड़ की पत्तियाँ कितनी उपयोगी होती हैं और अन्य पेड़ पौधे भी हमारे
जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, आप भी पेड़ों की उपयोगिता के बारे में आप समझ गए होंगे। तो हम सभी को वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए और प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए काटना नहीं चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।